जय माता दी। इसका समय आपका स्वागत है। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हम चर्चा करेंगे माँ भगवती के दूसरे स्वरूप की। माँ भगवती का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। मैं आपको बताऊंगा कि माँ भगवती की जो पूजा है, ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है, वो किस तरह से करनी चाहिए, इस पूजा को करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे नवरात्र के दिन प्रातःकाल उठ करके आपको स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होना है और सबसे पहले पूजा मंडप की सफाई करनी है, क्योंकि आपने पहले नवरात्र के दिन जो भी फूल फल आदि चढ़ाए होंगे उन फूल आदि पत्तों को आप अलग कर लेंगे, वहाँ की सफाई करेंगे और दोबारा से पूजा की वही सामग्री जो आपने पहले दिन रोली मोली ज्योति धूप अगरबत्ती फूल फल मिठाई जो भी है इन सभी चीज़ों को आप एकत्र कर लेंगे। और उसके बाद आसन में बैठ करके आप आचमन करेंगे और अपने आसन की शुद्धि करके मस्तक पर चंदन लगाएंगे और दीपक जला करके आप वही अपना शांति पाठ और माता का ध्यान करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से आप सभी देवताओं का पहले दिन की ही तरह पूजा करेंगे, उनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे, वस्त्र देंगे और फूलमाला पहनाएंगे, धूप दीप नैवेद्य आदि सभी चीज़ें आपके लिए सेम उसी क्रम से करेंगे जैसा कि आपने पहले दिन किया था। इसके पश्चात आपको पूजा के बाद आप आरती करेंगे और फिर आपका दिन भर का जो व्रत है वो व्रत आप रखेंगे और व्रत रखने के बाद सायंकाल में यानी शाम के टाइम में आप वैसे माँ भगवती के आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे और फिर अपना व्रत तोड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। दूसरे नवरात्रि में माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी यानी कि तपस्चारिणी रूप की पूजा होती है। जो साधक माँ के इस स्वरूप की पूजा करता है उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। जी हाँ, एक बार मैं दोबारा आपको बताऊं कि माँ भगवती के इस स्वरूप की यानी ब्रह्मचारिणी, उनको तपस्चारिणी भी कहा है, उनके इस स्वरूप की जो पूजा करता है उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम, सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प लेते हैं वे उन्हें पूरा अवश्य करते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि अगर आप अपने जीवन में किसी संकल्प को लेते हैं और संकल्प की सिद्धि चाहते हैं तो माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा को करनी चाहिए। बात करते हैं माँ भगवती का ये जो स्वरूप है वो कैसा है। बात करते हैं माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला है, बाएं हाथ में उन्होंने कमंडल धारण किया हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर के जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और इसी तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रह करके पूजा करी, अत्यंत कठिन तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया और जब महादेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो ये था माँ भगवती के दूसरे स्वरूप की पूजा। और मैं अगले एपिसोड में माँ भगवती के तीसरे स्वरूप के बारे में आपको बताऊंगा कि उनकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए, उस पूजा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं। इससे हमारे द्वारा जो हमारे जो नए एपिसोड हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाएगी। मैं एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।